और आप देख रहे हैं अताबुखारी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अल्लाह ताला का एक कानून बयान करेंगे कि जब कोई कौम फिस्क का रास्ता इख्तियार करती है तो फिर तबाही जो है उसको आ पहुंचती है। तो ये अल्लाह ताला का अटल कानून है। तो इसमें हम कुछ अल्फाज के मीनिंग भी इसके साथ साथ, जैसा कि हम अपने वीडियोस में कोशिश करते हैं कि कुरान करीम के जो अल्फाज हैं वो लफ्ज़ी भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन चूँकि वो एक बामुहावरा हम उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं ताकि बात वाज़े हो जाए, तो उसको भी हम वाज़े करते हैं कि एक्चुअली इन अल्फाज के मीनिंग क्या हैं, जो हमारी उर्दू में बोल चाल होती है तो किस तरह से उनके मीनिंग्स को लेना चाहिए। तो क्योंकि जो मरवजा तराजम है उसके अंदर जो रिवायात की रूह से तफसीरें की गई हैं तो उनसे फिर कोई कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, बात समझ नहीं आती। तो इसलिए हम कुरान का अंदाज़े असलूब भी अपनी अक्सर वीडियो में साथ साथ आपको बताते चले जा रहे होते हैं कि एक्चुअली कुरान के बात करने का या अल्लाह का इंसानों से मुखातिब होने का अंदाज़ क्या है। बिल्कुल वही अंदाज़ है जिस तरह हम एक दूसरे से बातें करते हैं। तो ये सूरह अल इसरा की आयत नंबर 16 है, 17 नंबर की 16 है। तो उसकी यहाँ से इसके अल्फाज शुरू होते हैं कि व इज अरदना अन्नोहलिका करियतन, जब हम किसी बस्ती को हिला करना चाहते हैं। अब ये देखें, ये लफ्जी तर्जुमा है, इससे यूं मालूम होता है जैसे अल्लाह किसी बस्ती को हिला करना चाहता है। तो मैंने कई दफ़ा आपको समझाया है कि जब अल्लाह ताला खुद कोई बात करता है कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, तो उससे मुराद ये नहीं है कि अल्लाह कर रहा होता है, उससे मुराद ये होता है कि अल्लाह का कानून कर रहा होता है। यानी जो उसने कानून बनाया होता है उसकी कानून की रूह से कायनात के अंदर फैसले हो रहे होते हैं, और वो कानून जो है वो इंसानों के जो उनका रवैया होता है उसी के मुताबिक उनके साथ मामला कर रहा होता है। अगर इंसान सही रास्ते पर जा रहे हो तो ये फिर कानून उनका साथ दे रहा होता है। अगर इंसान सही रास्ते की बजाय गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हो अपने आबाओ अजदाद का, अपने मजहबी पेशवाओं का, तो फिर ये इसी कानून की रूह से उनकी तबाही आ जाती है। तो ये इसका ये अगर लफ्जी तर्जमा लेंगे तो इस यही चीज़ सामने आ जाएगी, जो कि तराजम की बहुत बड़ी एक मिस्टेक है कि उससे यही होता है कि अल्लाह इरादा करता है तबाह करने का और इंसान और इंसानों की जो बस्तियां हैं वो तबाह हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये कि इंसानों का कोई कसूर नहीं है, ये तो अल्लाह ने इरादा किया उनकी तबाही का और वो तबाह हो गई। वो कितने भी अच्छे होते उन्होंने तो तबाह होना था जब अल्लाह ने इरादा कर लिया। तो ये इसके मीनिंग नहीं है। कुरान करीम को समझने के लिए पूरा कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो सामने रखना होता है, तब समझ आती है कि कुरान करीम क्या कहना चाहता है। तो इससे मुराद क्या है कि जब हम किसी बस्ती को हिला करने का इरादा करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब कोई कौम गलत रविश इख्तियार करती है, वो पैटर्न अडॉप्ट नहीं करती जो पैटर्न अल्लाह की वही के ज़रिए इंसानों को दिया होता है, वो सांचा उसके अंदर नहीं रहते जो सांचा अल्लाह की किताब के अंदर लोगों के लिए दिया होता है, लोग उस सांचे से बाहर निकल जाते हैं, अपनी मर्ज़ी का सियासी निज़ाम, अपनी मर्ज़ी का मुआशी निज़ाम, अपनी मर्ज़ी का मुआशरती निज़ाम, अपने मजहबी निज़ाम, अपनी फ़िकें, अपनी शरीयतें, तो इससे फिर वो तबाही उनको आ घेरती है, ये कहना चाहता है। तो ये नहीं है कि अल्लाह इरादा करता है तो वो तबाह हो जाते हैं, बिल्कुल ये लफ्जी तर्जमा लेंगे तो गलत हो जाएगी चीज़। इसको ऐसे ही समझना चाहिए, इसको अल्लाह के कानून मकाफात अमल की रूह से समझना चाहिए। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि अल्लाह का जो तसव्वुर है, जो उसने ख़ुद कुरान के अंदर दिया है, वो जब तक क्लियर नहीं होगा, मज़हब से आप हटकर उस तसव्वुर को नहीं समझेंगे तो ये फिर कुरान भी समझ में नहीं आएगा। कुरान को समझने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह का सही तसव्वुर समझा जाए। तो वो अल्लाह अज़ ख़ुद किसी को हिलाक नहीं करता, अल्लाह अपनी तरफ से किसी बस्ती को हिला करने का फ़ैसला नहीं करता, लोग ऐसा कुछ करते हैं, गलत काम करते हैं जिसकी वजह से उनकी तबाही जो है वो यकीनी हो जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ लें। और आगे जो फिक्रा है कहता है अमरना मुतरफीहा,
जब उस बस्ती की हिलाकत का तय्यन हो जाता है, फैसला हो जाता है कि ये कौम बाज नहीं आ रही, इसमें उनको उनके पास वक्फा होता है। और को वक्फा वो एक सेकंड का नहीं होता, कौमों का अरूज और जवाल जो है ये सदियों के ऊपर मुहित होता है। देखिए ना, मुगलिया हुकूमत जो थी 325 साल तक तकरीबन वो कायम रही, लेकिन आप ये देखें कि उसके जो पहले 150 साल थे वो उसमें वो ताकतवर थे, उसमें बड़ा वो उनको उरूज भी मिला था। औरंगज़ेब आलमगीर के बाद ये फिर सल्तनत डिक्लाइन होती चली गई। तकरीबन 150 साल लगे उस सल्तनत को ख़त्म होने में, कुछ 1.5 साल में ख़त्म नहीं होगी, 150 साल यानी 1.5 सदी लगी उसको ख़त्म होने में। तो इस तरह ये उरूजो जवाल जो होता है ये आनन फानन नहीं होता, इसके ऊपर बड़ा वक्त लगता है। कौमें आहिस्ता आहिस्ता उरूज पकड़ती हैं बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनत के बाद, और कौमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी गफलत का शिकार होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ख़त्म होती चली जाती हैं, फिर यहाँ तक कि वो बिल्कुल उसका नामो निशान ही ख़त्म हो जाता है। तो इसके ऊपर बड़ा टाइम लगता है, मोहलत होती है। ये अल्लाह ताला का एक करम है कि अगर वो लोग अपने आप को सही कर लें तो फिर उनके साथ फिर रहमत का मामला हो जाता है, ना करें तो फिर असबाब और इलल यानी काज एंड इफेक्ट की कड़ियाँ जब मुकम्मल तौर पर मिल जाती हैं तो फिर यक लख्त उनके ऊपर तबाही आ जाती है, जिसे कुरान ने असात कहा है, इसको क्यामत भी कहते हैं। तो वो एक बड़ी क्यामत होगी जो हतमी तौर पर आएगी, लेकिन दुनिया में ये छोटी छोटी क्यामतें इस तरह आती रहती हैं। तो अब यहाँ पर एक जो लफ्ज़ है ना, अमरना मुतरफीहा, अब इससे भी यही धोखा होता है आम तराजम से कि अल्लाह हुक्म करता है किन को, मुतरफीन को। ये मुतरफीहा है जो इस ज़मीन के ऊपर मुतरफून है, वो कौन, जो मुफ्त की रोटियां खाने वाले, ऐश परस्ती की ज़िंदगी गुजारने वाले, जो मेहनत नहीं करते, बग़ैर मेहनत के सरमाया हासिल करते हैं किसी भी तरीके से, सरमायादारी के ज़रिए से या वो कोई ऐसा अपना सूदी निज़ाम बनाते हैं उसकी रूह से, वो सरमाया जो है बग़ैर किसी मेहनत के, मेहनत दो किस्म की होती है, एक तो मेंटल एफर्ट्स होती है, एक फिजिकल एफर्ट्स होती है। तो वो ना मेंटल एफर्ट्स करते हैं ना फिजिकल एफर्ट्स करते हैं। तो ये जो मुतरफीन हैं, ये जो ऐश परस्ती की ज़िंदगी गुजारते हैं, लोगों अपने यानी सरमाए के बलबूते के ऊपर लोगों की जो जो मेहनत है उसका भी सारा का सारा जो है वो निचोड़ के अपने पास ले जाते हैं, उनको इतना भी नहीं देते कि वो कोई खुशहाली से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। तो सारा का सारा उनकी जो मेहनत की जो कमाई होती है वो ये लोग ले जाते हैं, सिर्फ इतना उनको देते हैं कि उनकी नब्ज़ चलती रहे और वो इनका काम करते रहें, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इनको कुरान मुतरफीन बोलता है, ये सरमायादार भी हो सकते हैं और ये मजहबी पेशवा भी हो सकते हैं। सरमायादारों में सूदखोर भी होते हैं जो रिबा का काम करते हैं, वो ये सरमायादारी निज़ाम जो है ये वैसे भी रिबा है। इसी तरह जो मजहबी पेशवा हैं ये भी रिबा के दायरे में आते हैं कि ये रिबा का काम करते हैं, क्यों कि मजहबी पेशवा भी कुछ नहीं कर रहे होते। सरमायादार तो चलो अपनी कोई इन्वेस्टमेंट लगाता है, कोई मशीनरी खड़ी करता है, कोई कारखाना लगाता है, उसका कोई रिस्क होता है, लेकिन जो मजहबी पेशवा होते हैं इनका कोई रिस्क नहीं होता। ये जो बिल्डिंग या माबद खाना खड़ा करते हैं उसके पैसे भी लोगों से चंदे के तौर पर लेते हैं, अपनी तरफ से एक रुपया भी नहीं लगाते, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मुतरफीन है यानी ये मुफ्तबर हैं, ऐश परस्त हैं, कुरान इनको सबसे पहले लेता है। सेकंड नंबर के ऊपर फिर कुरान सरमायादारों को लेता है जो मेंटल एफर्ट नहीं करते, जो फिजिकल एफर्ट नहीं करते, जो किसी को दे देते हैं कि ये जी ये 10 लाख ले लो और इसके ऊपर मुझे इतना जो है रिबा जो है मुझे इतने परसेंट वो आपने मुझे वापस करना है, ठीक है। तो ये रिबा का ये जो निज़ाम करने वाले हैं कुरान इनको मुतरफीन बोलता है। तो ये इनके मुतल्लिक कुरान क्या कह रहा है, अभी अमरना हमने उनको हुक्म दिया, हालांकि अल्लाह ने उनको हुक्म नहीं दिया कि तुम जो है वो इस तरह से ये काम करो, वो काम अपनी मर्जी से गलत कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अपना कुरान का जो अंदाज़ है वो इस तरह से ये लफ्जी तर्जुमे में, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह के कानून की रूह से उनके साथ ये मामला होता है,
ये नहीं है कि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया होता है कि तुम सरमायादारी करो, तुम रिबा का काम करो, और फिर खुद ही अल्लाह उनको पकड़ कर हिलाक भी कर दे। ये कुरान करीम के अंदर जो अल्लाह का दिया हुआ तसव्वुर है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। लेकिन तराजुम चूँकि ऐसे ही हुए हैं इसलिए हम उनकी फिर यहाँ पर वजाहत करते हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो इसमें क्या चीज़ हो गई कि ये जो बग़ैर एफर्ट्स के काम करने वाले, सरमाए के ऊपर पलने वाले लोग, लोगों की कमाई के ऊपर ऐश परस्ती की ज़िंदगी गुजारने वाले ये जो लोग होते हैं, उनके लिए फिर क्या वो कहता है? कहता है फफासा कू फीहा, फिर वो वहाँ नाफरमानी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिस्क का लफ्ज़ आ रहा है, फफासा कू, ये फिस्क से निकला है। तो फिस्क क्या होता है? फिस्क होता है कोई पैटर्न, कोई सांचा जिसमें कोई चीज़ जो उसके मुताबिक तैयार करनी हो, तो वो उसको कुरान फिस्क बोलता है। अब इंसानों की ज़िंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर दिया हुआ है, उसके असूल और ज़ाबते बताए हुए हैं। जो कौम भी उन असूल और ज़ाबतों से अवॉइड करके अपने सियासी, माशी, माशरती, मजहबी निज़ाम बनाती है, जो कौम भी, तो वो इसको हम कहेंगे कि वो फिस्क कर रही है। यानी उन कवानीन, उन हदूद, उन ज़ाबतों को उसने फरामोश कर दिया है जो अल्लाह ने दिए हैं। वो अपनी मनपसंद तौर तरीके इख्तियार करके अपना निज़ाम ज़िंदगी चलाना चाहते हैं। उसमें अल्लाह की नाराज़गी का मामला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने जो असूल ज़ाबते दिए हैं वो इंसानों की बेहतरी के लिए। इंसान जो असूल ज़ाबते बनाते हैं वो वक्ती होते हैं, आर्जी होते हैं, वक्ती तौर पर उनका फ़ायदा बहुत नज़र आ रहा होता है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन वो तबाहकुन होते हैं। जैसे रिबा के अंदर वक्ती तौर पर तो बहुत फ़ायदा आ जाएगा, आपने किसी को 1 लाख दिया, उसको कहा जी मुझे महीने बाद ये इसके ऊपर 10,000 रुपये मुझे आप रिबा दे दें, तो ये वक्ती तौर पर तो ये 10,000 आपके पास आ गया, लेकिन उससे क्या हो गया कि अल्लाह ने जो आपको जो सलाहियतें दी हुई हैं आप वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ पैसा दे के उसके ऊपर रिबा ले रहे हैं। लेकिन माशरे के अंदर जो आपका किरदार होना चाहिए था, आपकी जो सलाहियतों से माशरे को जो फ़ायदा होना चाहिए था, आपने तो वो एक्सरसाइज ही नहीं की। आप तो घर बैठे बस लोगों को रिबा दे रहे हैं, रिबा के ऊपर पैसे दे रहे हैं, उसके ऊपर रिबा ले रहे हैं, तो इससे माशरे के अंदर आपके वजूद का माशरे को कोई फ़ायदा ना हुआ, तो इससे फिर माशरे के अंदर तबाही आती है। ये सलाहियतें अल्लाह ने इंसानों को इसलिए दिए हैं कि वो इन सलाहियतों को एक्सरसाइज करें, इस्तेमाल में लाएं, अपने लिए और माशरे के लिए, मुल्क व कौम के लिए वो आगे बढ़े, प्रोग्रेस करें। तो जब वो नहीं करते, सिर्फ रिबा के ज़रिए से पैसा लेते हैं और अपनी गुजर बसर करते हैं, अपनी अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उससे फिर माशरे के अंदर फिर फसाद बरपा होता है, इसलिए रिबा को मना किया गया। तो इसलिए कुरान करीम कह रहा है कि ये जो फिस्क है इसमें उस पैटर्न से ना हटो। फिस्क का मतलब है कुरान के दिए हुए पैटर्न से हट जाना। अगर ये हटोगे तो फिर क्या हो जाएगा? फहक्का अलैहल कौल, तो फिर उन पर हुज्जत तमाम हो जाएगी, यानी तबाही और बर्बादी के वो हकदार करार पाएंगे। ये होता है फहक्का, यानी उनके ऊपर ये हकीकत जो है वो बिल्कुल अयां हो जाएगी, साबित हो जाएगी कि वो बर्बाद होकर रहेंगे, कि उन्होंने अल्लाह के कवानीन की नाफरमानी की, और इससे फिर क्या हो गया कि वो फिर तबाही और बर्बादी के हकदार ठहरे। तो उससे फिर नतीजा क्या निकलेगा? उससे नतीजा ये निकलेगा कि फदम्मर नाहा तदमीरा, और हम फिर उसे तबाह बर्बाद कर देते हैं, उनका नामो निशान मिट जाता है। तो ये अल्लाह तबाह नहीं करता, इंसान खुद गलत काम करते हैं, फिर अल्लाह का कानून मकाफ़ात अमल हरकत में आता है, उस चीरू से वो फिर तबाह हो जाती हैं, उस चीरू से फिर उनका नामो निशान मिट जाता है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मोहलत का वक्फा होता है, जैसा कि मुगलिया एम्पायर का मैंने हवाला दिया कि 325 साल वो एम्पायर चलती रही, लेकिन आखिरी 150 साल जो थे उसके डिक्लाइन में गुजरे, और आहिस्ता आहिस्ता वो जवाल पजीर होती होती बिल आखिर उस वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, उन्होंने अपने आप को नहीं संभाला। तो इसमें मोहलत के वक्फे से फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसा कि आज हमारा जो सूरत हाल है वो ये है कि हमें तो ये एहसास ही नहीं कि हमारे यहाँ ख़राबी क्या है,
हम तो जो मज़हब है उसको दीन समझे बैठे हैं, जो तबाही का सारा सामान है उसको हम समझ रहे हैं कि ये रहमत का सामान है, ये जो मज़हब है, ये जो वर्शिप है, ये जो पूजा पाठ है, इससे इसको करने से हम बच जाएंगे किसी मुसीबत से। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं उनको इस्तेमाल करें, उनको एक्सरसाइज करें, और अल्लाह के जो कायनाती उलूम हैं उनको समझें और उसकी रूह से फिर आगे बढ़ें। और कुरान के अंदर जो इंसान के लिए अखलाकी उसूल दिए गए हैं, उसके नफ्स से रिलेटेड जो उसके मसाइल का जो सलूशन दिया गया है वो अपनाएं। ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे, यानी नफ्स से रिलेटेड कवानीन उनको अडॉप्ट करेंगे और कायनात के जो फिज़िकल लॉज हैं उनको समझेंगे, तो फिर क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे। कुरान करीम जो साइकोलॉजिकल जो हमारे प्रॉब्लम है उनका सलूशन देता है, जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन जो है वो कायनाती उलूम देते हैं, ठीक है, और वो अक्लो फिक्र की रूह से समझ में आते हैं। तो ये सारा कम्बिनेशन लेकर जब हम चलते हैं, कोई भी कौम चलती है इस कम्बिनेशन के साथ, वो फिर प्रोग्रेस करती है। तो ये चीज़ होती है। तो आप जो हैं कुरान करीम का असूल सुम्मा तफक्करु, उसकी रूह से गौर व फिक्र किया करें, चीज़ों को सोचें समझें और हकाई के ऊपर नज़र रखें। रिवायात जो होती हैं वो आपको एम्बिग्यूटी में लेके जाती हैं, तखय्युलात में लेके जाती हैं। कुरान जो है ये आपको रियलिटी की तरफ लेके जाता है, अपने आप को रियलिटी की तरफ लेकर जाएं, सोचें समझें। और कुरान करीम का असूल सुम्मा तफक्करु, इसको हर वक्त अपने पेशे नज़र रखें। तो वीडियोज़ को शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर, कुरान करीम का जो पैगाम है मैक्सिमम लोगों को पहुंचाने के लिए इसकी मैक्सिमम शेयरिंग करें, इसको आगे फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों को, ताकि मैक्सिमम लोगों तक कुरान करीम का पैगाम पहुंचे। शुक्रिया।